सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन का नाम है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन। सबसे मेन रीज़न एक्चुअली ये है कि ये देख रहे पीछे के साइड, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप देख यहाँ पे उल्वे टू सिवरी ट्रांस हार्बर लिंक का ब्रिज बना जा रहा है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम है उल्वे में जो कि हमेशा मैं। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, काफ़ी दिन के बाद में मैंने वीडियो बनाया है। कुछ काम के वजह से मेरे को टाइम नहीं मिला था वीडियो नया बनाने के लिए। आज का मैं नया ब्लॉग बना रहा हूँ जिसका टॉपिक रहेगा अबाउट उल्वे, क्योंकि आज हम है उल्वे में। वैसे के लिए मैं उल्वे में ही रहता हूँ, लेकिन जहाँ पे मैं रहता हूँ उस एरिया का डिमांड है ना काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी के टाइम पे। क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना कि इस एरिया में, उल्वे नाम के इस एरिया में कुछ भी नहीं था, मतलब कोई पब्लिक नहीं, बस गाँव वाले लोग थे। तो लेकिन अभी के टाइम पे यहाँ पे इतना डिमांड बढ़ गया है ना कि यहाँ की जो प्रॉपर्टी है इसकी प्राइस तो आसमान छूने लगी। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, क्यों यहाँ की प्रॉपर्टी इतनी आसमान छू रही है, इतना प्राइजेस यहाँ के बढ़े हुए हैं, क्यों यहाँ पे इतना क्रेज़ है, काफ़ी मुंबई से काफ़ी ज़्यादा लोग यहाँ पे आना और रहना पसंद कर रहे हैं। तो इसके पीछे का सारा रीज़न मैं आपको बताऊँगा कि क्या चल रहा है यहाँ पे। ओके, तो सबसे पहले ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले, मतलब इसकी जानकारी देने से पहले, मैं आपको पहले तो उल्वे की एक सैर कराता हूँ अपने स्कूटर के साथ में। इस स्कूटर से मैं आपको उल्वे की सैर कराता हूँ और उसके बाद में मैं आपको यहाँ की जानकारी देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, यहाँ का सबसे फर्स्ट रीज़न है उल्वे में आने के लिए और रहने के लिए, पहला रीज़न है यहाँ का रेलवे स्टेशन। यहाँ पे दो तीन साल पहले अगर आप यहाँ पे आते हैं ना तो यहाँ पे रेलवे फैसिलिटी नहीं थी, तो कैसा होता था ना, लोगों को स्टेशन के लिए बस के लिए लोगों को वेट करना पड़ता था या फिर ऑटो के लिए उनको वेट करना पड़ता था। बट तो ऑटो और बस अगर ये छोड़ दे, दो बात छोड़ दे, तो यहाँ पे उस टाइम पे कोई ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी नहीं थी और उसी टाइम पे फिर यहाँ पे प्रॉपर्टी का इतना प्राइस भी नहीं था। लेकिन जैसे दो साल पहले जब ट्रेन यहाँ पे स्टार्ट हुई, लॉन्च हुई, तो उसके बाद में यहाँ के प्राइस बढ़ने लगे। तो सबसे पहले तो रेलवे स्टेशन का नाम है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन, उल्वे को बामन डोंगरी नाम से भी जाना जाता है। तो इस स्टेशन को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ, मैं कैसा दिखता है रेलवे स्टेशन। ओके, सो गाइज, है रेलवे स्टेशन का, बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन का एंट्रेंस है। मतलब नई मुंबई की जो भी रेलवे स्टेशन है ना, दिखने के लिए अच्छे ही रहते, मतलब कुछ भी नहीं, ज़्यादा पब्लिक नहीं है यहाँ पे, और स्टेशन भी काफ़ी खूबसूरत है यहाँ का। ये एंट्रेंस है, अभी हम स्टेशन के अंदर जाते, वहाँ पे आपको उसका सीन दिखाते कैसा है स्टेशन। तो देखो दोस्तों, कैसा है रेलवे स्टेशन दिख रहा है। दो प्लेटफॉर्म है यहाँ पे, मतलब ये पहला नहीं था उल्वे में जो कि अभी इसकी फैसिलिटी आ गई है रेलवे की, और इन्होंने स्टेशन भी काफ़ी मस्त बनाया है इन्होंने। ये देखो, है ना खूबसूरत। सो देख सकते हैं रेलवे स्टेशन का नाम है बामन डोंगरी रेलवे स्टेशन। तो चलो अभी हम स्टेशन के बाहर चलते हैं। स्टेशन तो आपने देख लिया है, मस्त फैसिलिटी है, काफ़ी खूबसूरत रेलवे स्टेशन है।
बामन डोंगरी का। इसके आगे और एक रेलवे स्टेशन है जिसका नाम है खारको ऊपर, तो वो तो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। और मेन जो है वो मैं आपको दिखाता हूँ। स्टेशन की बात तो हो गई, अभी रेलवे स्टेशन छोड़ने के बाद में अगर ये ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अगर हम एक साइड में रखते तो और हमको क्या, अभी काफ़ी हवा चल रही है आगे, तो ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी अगर हम एक साइड में छोड़ते तो इसके बाद में हमको और क्या क्या ज़रूरत पड़ती है एक नए एरिया में रहने के लिए। सबसे पहले हमको स्कूल की ज़रूरत पड़ती है और सबसे मेन हॉस्पिटल की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे है तीनों भी फैसिलिटी यहाँ पे अभी के टाइम पे मिलती है। मार्केट बहुत बड़ा लगता है यहाँ पे, हॉस्पिटल भी है इधर, गवर्नमेंट से लेके प्राइवेट हॉस्पिटल है इधर, और साथ ही साथ में ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तो है ही यहाँ पे। तो इन सब रीज़न के वजह से यहाँ की वैल्यू और बढ़ती जा रही है। तो अगर आप यहाँ पे रहने के लिए आते हो या फिर प्रॉपर्टी परचेस करना चाहते हो तो बच्चों के लिए यहाँ पे आपको स्कूल भी मिलेगा, हॉस्पिटल भी मिलेगा, गवर्नमेंट से लेकर प्राइवेट हॉस्पिटल यहाँ पे आपको मिलेंगे, मार्केट मिलेगा यहाँ पे। तो हॉस्पिटल में आपको पल्लवी हॉस्पिटल और भी काफ़ी हॉस्पिटल है यहाँ पे। और अगर स्कूल की बात करें तो हमको आपको यहाँ पे स्कूल में रेडक्लिफ स्कूल मिलेगा, न्यू मॉडल इंग्लिश स्कूल मिलेगा, मतलब बच्चों के लिए स्कूल की भी फैसिलिटी है यहाँ पे। सो दोस्तों, यहाँ पे प्रॉपर्टी डिमांड इतनी है कि यहाँ पे बिल्डिंग बने जा रहे हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग बने हैं, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे आए रहने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ पे बिल्डिंग बनने का काम क्या रुक नहीं रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे है जो सारे बिल्डिंग है अभी तक है, इन सब के कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, इन बिल्डिंग के काफ़ी सारे बिल्डिंग यहाँ पे बन रहे हैं, काफ़ी सारे बिल्डिंग, और हर जगह पे कंस्ट्रक्शन का काम अभी भी चल रहा है। और इसी के साथ साथ यहाँ का मेन रीज़न है, यहाँ पे उल्वे टू सिवरी ट्रांस हार्बर लिंक का ब्रिज बना जा रहा है। तो यहाँ से मतलब पहले क्या होता था, उल्वे से मुंबई में कनेक्ट होने के लिए लोगों को 2 घंटा तो एटलीस्ट लग जाते थे, लेकिन अभी के टाइम पे कैसा ना है, जो ब्रिज है यहाँ का वो तो अभी हाल ही में अंडर कंस्ट्रक्शन है, लेकिन जब ये बनेगा तब यहाँ पर लोग काफ़ी कम से कम टाइम में उल्वे से डायरेक्ट मुंबई में कनेक्ट हो जाएंगे। तो ये सबसे बड़ा मेन रीज़न है कि लोग यहाँ पे आने के लिए अभी रेडी हो रहे। और यहाँ का सबसे लास्ट और मेन रीज़न है यहाँ पे होने वाला इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसका काम अभी चल रहा है, वो भी अंडर कंस्ट्रक्शन है, और मैं आपको वहीं पे जाकर दिखाता हूँ। वो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का अभी फ़िलहाल नाम है डीबी पाटिल इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो लोकेशन पे चलते हैं, वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है वो एरिया में आपको दिखाता हूँ मैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट का। यहाँ पे रहने के लिए सबसे मेन रीज़न एक्चुअली ये कि ये देख रहे पीछे के साइड, यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाया जा रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पहाड़ वगैरह फोड़े जा रहे, तो काफ़ी 3-4 साल से काम चल रहा है। हमारे प्रधान मोदी जी ने यहाँ का भूमि पूजन किया था, और यहाँ का पानी भी वही के लिए यूज़ किया जा रहा है, एक तरह का नदी समझ लो यहाँ का। तो ये मेन रीज़न है यहाँ पे लोगों का आने के लिए, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ही बनने वाला है। और रही बात यहाँ पे प्रॉपर्टी प्राइस के बारे में बताऊँ, तो अगर आप यहाँ पे रूम लेना चाहते हो, प्रॉपर्टी लेना चाहते हो, तो आपको अगर आप इंटरेस्टेड हो 1 RK के लिए, तो 1 RK यहाँ पे आपको 18 लाख से लेके 25 लाख के बीच में आपको आराम से मिल जाएगा। रही बात 1 BHK की, तो 1 BHK आपको 35 लाख से लेके 45 लाख के बीच में आपको 1 BHK आराम से मिल जाएगा। 2 BHK आपको 70 लाख से लेके 77 लाख तक मिल जाएगा, और डिपेंडिंग प्लॉट का जो फ्लैट है इसका साइज़ क्या है उसके ऊपर भी प्राइजेस आगे पीछे हो जाएगी, लेकिन इतने प्राइस में आपको आराम से मिल जाएगा यहाँ पे प्रॉपर्टी। तो जो भी इंटरेस्टेड है वो ले सकते हैं यहाँ पे प्रॉपर्टी, लेकिन यहाँ के बस मैंने आपको अभी तक फ़ायदे बताए यहाँ पे यहाँ के, लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है उल्वे में जो कि हमेशा मैं फेस करता हूँ। तो प्रॉब्लम ये है कि उल्वे में मच्छर बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप सहन कर सकते हो मच्छर को, तो आप यहाँ पे आराम से रह सकते हो, क्योंकि ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी सब कुछ है, मुंबई में आराम से आप कनेक्ट हो सकते हैं। बस ये जो मच्छर है ना बहुत बेकार है यहाँ का।
तो ये सब छोड़ के बाकी सब कुछ सही है। सो गाइस, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो से आपको कुछ जानकारी मिली है और ये आपको फ़ायदेमंद लग रही है कि यहाँ पे आकर मेरे को ये सब मिलने वाला है और यहाँ के जो भी है वो मैंने आपको सही से बताया रहेगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो वीडियो को गाइस, सब्सक्राइब करो गाइस। मैं देख रहा हूँ, मैं वीडियो में मेरे काफ़ी सारे लोग देख रहे हैं वीडियो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे, तो प्लीज़ वीडियो सब्सक्राइब करो मेरा कंटेंट अगर आपको यूज़फुल लगा तो। तो मिलते एक नए वीडियो में एक नई जगह पे, तब तक के लिए बाय बाय।